नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और हमारे आईपीएल गेमिंग सीरीज का मैच नंबर 17 बैंगलोर और कोलकाता के बीच में होने वाला है और उसका गेम प्ले हम लोग खेलने वाले हैं। गेम का नाम है रियल क्रिकेट 18। अगर हम मैच सेटअप की बात करें तो स्टेडियम मुंबई का है, पिच कंडीशन हार्ड है। वेदर की बात करें, बारिश की संभावना कोई भी नहीं, 0% है। नाइट मैच है और देखते हैं कौन जीतने वाला। एक्सपर्ट मोड में है, जी हाँ, एक्सपर्ट मोड में हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पर और हम लोग बने हैं यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बन गया हूँ, गलती से जीत गया तब क्या, क्योंकि ये टीम तो जीत रही है नहीं, अब क्या करें हम लोग। यहाँ पर टॉस जीता है हमारे अपोनेंट यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, हमको पहले बैटिंग दे दी है। चलिए अच्छी बात है, जब भी बैटिंग पहले आती है तो एक चीज़ ये होती है कि हमें बैटिंग बॉलिंग दोनों एकदम परफेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमारी पहली बॉलिंग आती है, हम लोग अच्छी बॉलिंग करते हैं तो फिर मैच आसान हो जाता है, बैटिंग आसान हो जाती है। लेकिन जब पहले बैटिंग करते हैं तो चाहे हम कितनी भी अच्छी बैटिंग कर लें, बॉलिंग हर बार हमें ज़बरदस्त करनी पड़ती है। यहाँ पर बॉलिंग आई बैटिंग आई है तो हम लोग अभी पटेल के साथ भेजेंगे, विराट कोहली को भेजते हैं हम लोग। हेटमायर को ऑलरेडी वो भी आउट ऑफ फॉर्म है तो हम उनको ऑटो प्ले में डाल देंगे। एम्पायर्स आ चुके हैं और उन्हीं के पीछे पीछे आ रही है, बहुत टाइम लगा रही है टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स आ गई है यहाँ पर। और रियल क्रिकेट 18 का अपडेट कुछ दिनों में ही आने वाला है, अगर अब अप्रॉक्सीमेट डेट करें तो 14 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। फिर शुरू के एक हफ्ते मत गिनो, उसके बाद के हफ्ते से गिनना शुरू करो, क्योंकि मैं जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो 2 अप्रैल को मैं इस समय एक गेम रिकॉर्ड कर रहा हूँ गेम प्ले, तो अभी तो कुछ ज़्यादा डिटेल आई नहीं। अब पी कृष्णा शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से और पार्थिव पटेल करेंगे शुरुआत यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से बैटिंग की। दोनों टीमें तैयार हैं अपने अपने जौहर दिखाने के लिए इस मैच में। एक इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि 3 मैचेस तो ऑलरेडी आ चुकी है, हो सकता है बीच में और भी आ जाए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लेकिन बहुत शॉकिंग है इस टीम का परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से रिसर्च करना चाहिए किसी को कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खेल क्यों नहीं पा रही है। देखा जाए तो T20 की जो इंटरनेशनल सबसे बढ़िया टीम है उसके जितनी ही बढ़िया टीम है ये बैटिंग में खास करके, तो भी चल नहीं रही है, तो विश्वास उठ गया है कभी कभी। चलिए ऑटो प्ले करते हैं, पहले 5-5 ओवर हम 3 बार ऑटो प्ले करेंगे। एक्सपर्ट मोड है यानी कि आसान नहीं लेना होगा हमें मैच को। फिर से ऑटो प्ले करेंगे हम लोग। अरे ये क्या हो गया, ये एडवर्टाइज है, यही झंझट है, पर ज़रूरी भी है, कोई फ्री गेम बना रहा है और आपको खेलने को दे रहा है तो थोड़ी बहुत एडवर्टाइज चलती है। तो 15 ओवरों के बाद 134 रन किए, 3 विकेट गंवाया है। EB de Villiers आउट हो चुके हैं, हेटमायर खेल रहे हैं, अच्छी बात है, ब्रूटल बैट्समैन है, बहुत बढ़िया हमारे लिए। स्टॉइनिस भी खेल रहे हैं, ये भी ब्रूटल बैट्समैन है, यानी दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो रन बना सकते हैं। राणा को दी गई है गेंदबाजी, 15 ओवर, 178 रन प्रोजेक्टेड स्कोर है। स्पिनर को हम लोग थोड़ा ख़राब खेलते हैं तो हम लोग ज़्यादा अग्रेसिव नहीं खेलेंगे इनके खिलाफ। पहली गेंद डॉट जाती हुई, बढ़िया गेंदबाजी के साथ शुरुआत की है। हेटमायर यहाँ पर बढ़िया खेल रहे हैं, अब देखते हैं रियल मैच में किस तरह का खेलते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है इस मैच में पहली बार। यहाँ 2 रन आएंगे, हमारी कोशिश होगी जल्दी लेने की, क्योंकि जब क्लोज कॉल होता है रनिंग का तब कभी कभी आउट भी हो सकता है। तो 2 गेंदों में 2 रन दिए, हमने एक्सपेक्ट किया इस ओवर में लगभग 10 के आसपास रन आना चाहिए, देखते हैं आते हैं कि नहीं। फिर से 2 रन आएगा, बढ़िया शॉट, सेम शॉट खेला है, सेम प्लेयर के पास गई है गेंद और फिर से 2 रन ऐड होते हुए 4 रन आ गए ओवर में 3 गेंदों में। काफ़ी सन्नाटा आ रही, कितना शांति से सब बैठे हैं यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे में आप कह सकते हैं। अभी हम लोग चलिए इस बार लेग साइड में खेलते हैं, मिस कर गए हैं शॉट, मिस कर गए हैं, 4 गेंदे 4 रन हुआ है अभी। अब बाउंड्री की अगर कोशिश की जाए तो सिर्फ एक ही जगह है, चलिए बहुत बढ़िया, जब कुछ नहीं होता है तो वाइट हमें मदद कर देता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो उतनी ही बढ़िया कीपिंग भी की है यहाँ पर कीपर ने, लेकिन वाइट गेंद चली गई है। 5 रन आ गए ओवर से, 4 गेंदे हैं अभी भी, अगर हम चाहें तो आसानी से 9 रन तो कर ही सकते हैं। और नहीं, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर दिखाते हुए प्लेयर, स्ट्रेट में थे, दौड़ के आए हैं, गेंद को रोका है जाने से आगे। अब देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या शॉट खेलते हैं हेटमायर।
खेला है, 2 रन के लिए कॉल दे दिए हैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही, और 7 रन आए हैं ओवर से, 3 रन कम आए हैं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तेज गेंदबाज का हमें इंतजार है, हम लोग चाहते हैं तेज गेंदबाज आए, थोड़ी बहुत फील्डिंग चेंज हो यहाँ पर तो मजा आएगा देखने में। कुलदीप यादव को बुला दिया गया है, कोलकाता नाइट राइडर की फील्डिंग में यही खासियत है, अगर आप देखें तो हर तरह के प्लेयर भरे हुए हैं इनकी टीम में। और यहाँ पे स्टंपिंग कर सकते थे, मिस किया है स्टंपिंग, खराब कीपिंग, यहाँ पर मौका गंवा दिया है, मैं तो कहूँगा यहाँ पर डेफिनेटली बंदर की तरफ आ रही है, तो इस बार तो शॉट लगना चाहिए। जी हाँ लगा है, और 2 के लिए कॉल किया स्टोनिस ने, 2 रन तो ले लेंगे, 2 गेंदें 2 रन दे दिए, लेकिन ऑलरेडी अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव ने 2 ओवरों में 16 रन दिए। अब देखते हैं इस ओवर में कितने रन आते हैं इनके, गेंदबाजी तो बढ़िया करते ही हैं हर बार इनमें। कोलकाता नाइट राइडर के पास अजीब सा है, कोलकाता के पास है यादव तो बेंगलोर के पास है चहल, इंडिया के और इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट के 2 सबसे कामयाब स्पिनर, देखते हैं कौन चलेगा, किसका दिन है आज के दिन। अभी तक तो कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन T20 क्रिकेट सिर्फ विकेट का ही नहीं है, अगर आप कम रन देते हैं तो भी आप अपनी टीम के लिए मैच जीत सकते हैं। यहाँ पर नॉट आउट दिया है अंपायर ने, काफ़ी क्लोज है यहाँ पर, देखना होगा क्यों नॉट आउट दिया है, मुझे तो एक समय लगा आउट है, यहाँ तक तो कि DRS भी नहीं लिया, यानी कि किसी को नहीं लग रहा है कि आउट है, पर अपील की थी, ट्राई किया था, चलिए ट्राई कर लेते हैं, क्या पता आउट हो जाए। यहाँ पे बढ़िया शॉट, लेकिन फिर से प्लेयर के हाथों में गई है, कोई ज़्यादा रन नहीं आया इस ओवर से, तो एक बढ़िया ओवर जाता हुआ कोलकाता के लिए, पूरी ओवर अभी तक बढ़िया गई है, 4 रन आया है सिर्फ, अगर हम अग्रेसिव शॉट खेलते हैं तो थोड़ा सा डाउट रहता है मन में। स्पार कामयाब हुए हैं 38 के प्लेयर को क्रॉस कराने में, और यहाँ पर 2 रन के लिए कॉल दिया गया है, और सफल होते हुए, ज़्यादा रन आए नहीं ओवर से, ख़राब ओवर जाता हुआ मैं डेफिनेटली कहूँगा ये। कभी कभी ये एडवर्टाइज ही हमें देखना कॉपीराइट दिलवाई, पीयूष चावला आ गए, एक के बाद एक स्पिनर आते हैं, अभी रन रेट 8 का बना हुआ है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, वाइड गेंद पता नहीं होगी कि नहीं, देखते हैं, अगर मिस हो जाते हैं हम लोग तो अच्छी बात है, मिस नहीं हुए तो रन लेंगे, 2 रन की कोशिश है और आसानी से पूरा होते हुए। अब मुझे लग रहा है बैंगलोर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यहाँ पर कोलकाता को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है 2 रन देने में, जब तक कि चौके और छक्के नहीं लगते उन्हें, मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम है रन बनाने में, आप जितने चाहें ले लीजिए डबल। अरे मिस किया है, लेट रन किया है, यहाँ पर 2 की कोशिश से रन आउट हो सकते हैं, पहुँच गए हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा लेट हो गए थे कॉल में, मुझे लगा कि शायद आउट ना हो जाए, उसका डर था मुझे, पर बच गए, अच्छी बात है। यहाँ पर फिर से एक बढ़िया बॉल डाली है, बैट पे लगी है, 2 रन का फिर से कॉल दिया है हमने, इस बार आसानी से मिलेगा, लेकिन 3 की कोशिश बेकार है करना, 2 सही संतुष्ट है यहाँ पर, 3 गेंदों में 6 रन आए हैं अभी तक, कुलदीप यादव ने 3 में 22 दिए हैं, पीयूष चावला का पहला ओवर है ये, 3 3 स्पिनर को खिलाया है, उसके अलावा भी स्पिनर होंगे मुझे पक्का पता है टीम में, देखते हैं चौथी गेंद पे क्या होता है। फिर से गया है गैप में ऑफ साइड में, और यहाँ पर भी 2 रन आएगा, 8 रन आए ओवर से, अभी तक का सबसे बढ़िया ओवर जाता हुआ रन के हिसाब से देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए अगर, तो इसके बाद से हम अग्रेसिव खेलना शुरू करेंगे, 7 विकेट हमारे हाथों में, तो डेफिनेटली हमारी कोशिश होगी इसके बाद से कि हम लोग यहाँ पर अग्रेसिव खेलें। 9 रन हुए हैं यहाँ पर ओवर में आए हैं, मिस कर गए हैं, सिंगल ही आया है सिर्फ इस गेंद पर, हमने डबल की कोशिश करना चाहते थे, कोई बात नहीं, आखिरी गेंद ओवर का, उम्मीद करेंगे बैट पे लगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हर बार कहता हूँ कि रन बनाने हैं अगर तो बैट पे लगनी बहुत ज़रूरी है, बैट पे ही नहीं लगेगी तब तो फिर आप कुछ भी कर लें, रन तो बनेंगे नहीं। 11 रन आता हुआ ओवर से, सबसे बढ़िया ओवर रहा है ये अभी तक का, और यहाँ पर एडवर्टाइज आई है हमारी एक, धीरे धीरे थोड़ी टाइम बढ़ रहा है एडवर्टाइज का, पर कोई बात नहीं, 2 12 गेंदें बाकी हैं, 24 रन अगर हम लोग करते हैं यहाँ से तो हम लोग बना लेंगे 180 के आसपास रन, यहाँ पे अग्रेसिव तो खेलना पड़ेगा, चलिए खेलते हैं देखते हैं, रिस्क लेते हैं, रिस्क का यही प्रॉब्लम है, विकेट खोते हैं हम लोग, हेथमायर का विकेट खोया है यहाँ पर, यही प्रॉब्लम है, जब भी हमारे खिलाड़ी एक्सपर्ट मोड में, यही सबसे बड़ी रिस्क की बात है। दुबे आए हैं तो ब्रूटल बैट्समैन, तेज गेंदबाजों को दे नहीं रहे, हम लोग चाहते थे तेज गेंदबाजों को बॉलिंग मिले, लेकिन तेज गेंदबाज दिख नहीं रहे यहाँ पर कहीं दूर दूर तक,
एक बार फिर से यहाँ पर विकेट खोएंगे स्टॉइनिस के रूप में। लगातार बैक टू बैक दो विकेट खो दिया है यहाँ पर कुलदीप यादव की किस्मत कि उनके खेमे में आए हैं ये दोनों विकेट यहाँ पर। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे लिए कि हम लोग क्या करें, ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करें, गैप निकल नहीं रहा है शॉट का। अग्रेसिव शॉट खेलना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये मैच जीतना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंजिंग स्कोर करना है तब तो ठीक है, पर अगर आपको ये मैच जीतना है तो अग्रेसिव खेलना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं आपके पास। और ऑलरेडी यहाँ पर अब आने लगे हैं हमारे बॉलर्स और ऑलराउंडर्स आने लगे हैं, तो उनसे हम ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते हम लोग कि हाँ ये लोग सिक्स मारेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पे फिर से गैप में मारने की कोशिश है, जहाँ खेल रहे हैं वहाँ गेंद जा ही नहीं रही है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग काफ़ी मिड ऑफ पे खेल रहे हैं, मिड ऑन पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मिड ऑफ पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद अलग जगह जा रहा है। यहाँ पर देखिए हमने सोचा थोड़ा लेट खेलते हैं लेकिन सीधे पैरों पर जाके लगी है गेंद। अब DRS का ऑप्शन है कोलकाता के पास, पिछली बार लिया नहीं था क्योंकि वो लोग श्योर थे, अब ले लिया है, लेकिन अब DRS लिया है यहाँ पर और एम्पायर ने इशारा दे दिया है। अब देखना होगा क्या DRS के थ्रू विकेट जाएगा यहाँ पर। चेक किया नो बॉल, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, देखेंगे। यहाँ पर गेंद की पिच आउटसाइड लेग है तो नॉट आउट मिल चुका है यहाँ पर। और ये क्यों लिया डिसीजन मैं समझ नहीं पाया हूँ, ये विकेट हिटिंग भले हैं लेकिन जब आउटसाइड लैग है तो फिर क्यों लिया इन्होंने, यहाँ तक इम्पैक्ट भी आउटसाइड लैग है, वेस्ट किया इन्होंने टाइम भी लोगों का और यहाँ पर एक मौका भी गंवाया है। यहाँ पर खराब रिव्यू के लिए गए हैं, अपील किए यहाँ पर। 3 रन आए हैं अभी तक, सिर्फ 3 रन आए हैं ओवर से, तो एक बहुत ज़बरदस्त ओवर गया है यहाँ पर। कुलदीप यादव के खाते में 2 विकेट भी आए हैं तो हर तरह से ये ओवर में फ़ायदे में रहे हैं यादव, और 3 रन ही आए हैं ओवर से। ओवर ख़त्म होता हुआ कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए हैं हम लोग ओवर में अभी तक, ये क्या हो रहा है बार बार। माँ भी आए हैं बॉलिंग करने, तेज़ गेंदबाज आए हैं लेकिन बहुत लेट आए हैं, काश ये थोड़ा पहले आ जाते तो हमारा काम हो जाता, हम लोग पीछे की तरफ खेलेंगे। लेकिन चांस है थोड़ा आउट होने का, एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लिया है और कैच आउट होंगे। अच्छा शॉट था, फील्डिंग सेटअप इतना बढ़िया है कि यहाँ पर हम लोग बाउंसर पे कहीं शॉट ही नहीं खेल सकते थे। फुल्टर नायर को बुलाया गया है, अब फील्डिंग सेटअप अगर ऐसा रहेगा और शॉर्ट पिच गेंद डालते रहेंगे तो हम लोग कैसे रन बनाएंगे वो कहना मुश्किल है। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर खेलेंगे अच्छा शॉट। जी हाँ, फाइनली इस मैच की पहली बाउंड्री गई है सुंदर के बैट से, 166 हुआ है स्कोर, 2 गेंदों में 4 रन आए इस ओवर में। आखिरी ओवर चल रहा है इस वक्त, हम लोग रिप्ले जरूर देखेंगे क्योंकि पहली बाउंड्री हमारी। कोशिश देखिए, हमने टाइमिंग थोड़ी बहुत और इम्प्रूव करनी पड़ेगी शायद हमें, हमने खेला तो अच्छा शॉट था, 30 यार्ड क्रॉस किया था। फील्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, उम्मीद करते हैं लाइन लेंथ वही आए। जी हाँ, लाइन लेंथ तो वही है, तो उम्मीद है एक बार फिर से बाउंड्री की, अब देखते हैं क्या होता है। जी नहीं, यहाँ पर ही क्या हुआ है, डबल लेंगे लेकिन। जी हाँ, डबल आया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, स्ट्राइक पे हैं सुंदर तो मौका है अभी भी। 3 गेंदें 6 रन, 3 गेंदों में 6 रन आया है अभी तक। इस बार बाहर की तरफ आउटस्विंग कराई है गेंद, कोशिश करेंगे हम लोग इसको भी बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की, और सफलता मिली है हमें। एक्सपर्ट मोड है, इतना आसान नहीं है बाउंड्रीज मारना, जिन लोगों ने गेम खेली उन्हें पता होगा ये बात, खास करके तब जब फील्डिंग सेटअप ऐसा हो। अगर ये लोग शॉर्ट पिच गेंद डालते हैं तो उस पर चौके और सिक्स मारना तो बहुत मुश्किल है। फील्डिंग सेटअप चेंज हुआ है, अच्छी बात है, लेग साइड में गैप मिल सकता है हमें, लेकिन पिछली वाला ज़्यादा अच्छा था हमारी हमारे शॉट के लिए। अब देखते हैं इस बार हम लोग इधर का शॉट खेलने वाले हैं, लेग साइड का नहीं लगा है अच्छी तरह से, सिंगल में कन्वर्ट हुआ है ये, डायरेक्ट हिट जरूर मारी है लेकिन कोई मतलब नहीं, यहाँ पर नॉट आउट देंगे, एम्पायर पहुँच गए थे आसानी से। फुल्टर नायर यहाँ पर बैटिंग टेक्निक बहुत ही ख़राब है, इनकी आखिरी गेंद खेलने वाले हैं ये, उम्मीद करेंगे हम लोग। अरे ये वाइड गेंद लग रही है मेरे को, चलिए रिस्क ले रहा हूँ मैं वाइड गेंद का, दुआ करेंगे वाइड गेंद हो, बहुत बढ़िया वाइड गेंद, रिस्क लिया था हमने एक, चलिए 1 रन मिला है। अब देखते हैं 1 रन का कुछ फ़ायदा हमें मिलता है कि नहीं, मैच के अंत में पता चलेगा वो तो, क्या फ़ायदा मिला है कि नहीं। चलो कुल्टर नायर, एक शॉट मार दो खाली बैट पे लेके, नहीं यहाँ पर सिंगल ही आया है, लेकिन 175 रन किए हैं हमने इस मैच में,
और चैलेंजिंग तो मैं नहीं कहूंगा ये, क्योंकि एक्सपर्ट मोड है तुम्हारे ने बढ़िया पारी खेली। एबी डिविलियर्स, पार्थिव पटेल, एस धोनी से उनका साथ दिया है। कुलदीप यादव 2 विकेट लिए गए हैं, 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिया है, तो बढ़िया ओवर जबरदस्त उनका। और अब आई है बॉलिंग की बारी। हम लोग तेज़ गेंदबाजों को अंत में ट्राई करते हैं, ये मेरा मानना है कि तेज़ गेंदबाजों के साथ मैं अच्छी बॉलिंग करता हूँ, तो मैं जितना हो सकेगा स्पिनर्स यूज करने की कोशिश करूँगा। आउट ऑफ प्ले में 2 बार मौका मिलता है हमें, 3 बार नहीं, हाँ 3 बार मौका मिलता है बॉलर सेलेक्ट करने का, तो मैं हर बार स्पिनर ही सिलेक्ट करूँगा। खिलाड़ी आ चुके हैं बॉलिंग और बैटिंग के लिए, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। यजुवेंद्र चहल और लिन, सबको पता है कि किस तरह का जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है कोलकाता का, तो आसानी में तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये रन जो है 175 176 का जो टारगेट है, तो मुझे लगता है कि कर सकती है चेज़ यहाँ पर। हम लोग सुंदर को ओवर देंगे और यजुवेंद्र चहल से ही कराएंगे ओवर। 9 का रिक्वायर्ड रन रेट है, पर हम सबको पता है कि 2 सिक्स मारो अगर, तो ये 9 का रन रेट सीधा 6 और 7, 6 और 5 पे पहुँच जाएगा। राइट आर्म लेग ब्रेक आए हैं, आखिरी ऑटो प्ले होने वाला है हमारा। उम्मीद करते हैं 125 से कम रन हो। जी नहीं, यहाँ तो उल्टा हुआ है, 130 भी क्रॉस कर चुके हैं, 134 रन कर चुके हैं, और रन जो अब चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने, 30 गेंदों में 42 रन, 8 का रन रेट है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा बॉलर्स की बॉलिंग पे। अगर 10-12 का होता, लगभग 60 के आसपास रन होते, तो हम कहते कि चलिए थोड़ा बहुत चांस है यहाँ पर, बट यहाँ पे 30 गेंदों में 42 रन करना, वो भी तब जब आपके पास 7 विकेट हाथ में हो। एक्सपर्ट मोड में हम लोग खेल रहे हैं, तो इतना आसान क्या, बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। बढ़िया गेंद है कोल्टन नायर की, अगर यहाँ किसी भी तरह हम लोग 2 विकेट गिरा दें, सिर्फ 2 विकेट यहाँ पर बैक टू बैक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वापसी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले मैच में भी किया था, हमने 2 बैक टू बैक विकेट गिराई थी। उसके बाद जो ग्रीन मीटर है वो बहुत ही बड़ा आने लगा था, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पर दिनेश कार्तिक मूड में ही नहीं है रन बनाने के। अब वो जब 6 मारेंगे अंत में, लगातार मारेंगे, प्रॉब्लम वो है। 27 गेंदें 42 रन, किस तरह से खेलना चाहती है हमें पता नहीं है कोलकाता इस वक्त। खराब गेंद डाल दी है यहाँ पर कोल्टन नायर ने, जल्दी ही प्रेस कर दिया था, जल्दी ही एक्शन में आ गए थे, और उसका परिणाम यह है। अच्छी बात है डिफेंस किया यहाँ पर, वरना इस तरह की गेंदों का जवाब सीधा 6 रन होता है। ग्रीन लाइन हल्का सा टच हुई है या रह गई है, देखते हैं क्या होता है, शॉट पे डिपेंड करेगा। रन अगर आ जाते हैं, चौका छक्का चले जाता है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। आप कितने भी बढ़िया गेंद करो, अगर आप रन दे रहे हो तो फिर क्या मतलब उस गेंद का, अगर आप कितनी भी खराब गेंद डाल रहे हो लेकिन डॉट जा रही है या फिर विकेट मिल रही है, तो बहुत मायने रखते हैं। अभी तक कोई रन नहीं दिया, आखिरी गेंद पे भी डिफेंस किया है, ये क्या कर रही है कोलकाता, कहीं ये मैच बना तो नहीं रही है जानबूझ कर कि अंत में क्रेडिट मिले बैट्समैन और बॉलर को। कई खिलाड़ी ऐसे हैं हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हैं, जो कोशिश करते हैं कि मैच आखिरी तक जाए, कोई रिस्क नहीं लेते हैं बिना मतलब का, लेकिन यहाँ पर तो कुछ खेला ही नहीं है इन्होंने। बढ़िया गेंद है, हल्का सा ग्रीन लाइन टच हुई है, देखते हैं। उमेश यादव की पहली गेंद है, 2 ओवरों में 17 रन दे चुके हैं, तो जितना रन रेट है अभी इस समय कोलकाता का, उसी हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं इन 5 गेंदों में क्या करता है। पहली गेंद पे तो आ गया है यहाँ पर रन, वापस से स्ट्राइक दे दी गई है दिनेश कार्तिक को। आपने एक बात देखी हो, राणा ने तुरंत स्ट्राइक रोटेट किया, पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक को दी। अब देखते हैं कार्तिक क्या करते हैं यहाँ पर। दूसरी गेंद पे लगा है एक शानदार 6, तो जिस बात का हमें डर था, इंतजार कर रहे थे दिनेश कार्तिक आराम से खेलेंगे और मौका जब भी मिलेगा तब मारेंगे। मौका पहली ओवर में भी था लेकिन नहीं खेला उन्होंने, लेकिन इस बार उमेश यादव को 6 के लिए खेला है। 22 गेंदें रह गई हैं, सिर्फ 35 रन करने हैं, 7 विकेट जमा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर विकेट ले लेते हैं उमेश यादव, 2 या 3 विकेट मिल जाती है हमें यहाँ पर, 2 या 3 विकेट तो बहुत बड़ी सफलता होगी। यहाँ पर डॉट खेला ना, पर गैप में गई है गेंद और सिंगल आता हुआ यहाँ पर, वापस से राणा को दे दिया स्ट्राइक। इस बार काफ़ी प्लानिंग से खेल रही, ये ओवर को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है कोलकाता ने। पिछली ओवर अगर हम देखें तो कुछ समझ में नहीं आता, हर एक गेंद को दबा दे रहे थे, लेकिन इस बार हर तरह के शॉट खेले हैं। देखिए इस बार भी खेला है अलग तरह शॉट, लेकिन इस बार कोई रन नहीं उमेश राणा के लिए। उमेश यादव का ये ओवर एक्चुअली हो गया है बहुत ही महंगा, और ग्रीन लाइन भी देखिए धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, तो हमारे लिए मुश्किल होने वाला है ये मैच। विकेट चाहिए, विकेट अगर नहीं देंगे आप तो फिर कुछ नहीं होगा। देखिए फिर से रन मिले हैं यहाँ पर,
बहुत ही चालाक वाली बैटिंग यहाँ पर की है, हमने एक भी रिवर्स स्विंग नहीं डाला है बहुत देर से। चलिए अब कराते हैं। खराब गेंद, खराब गेंद, यहाँ पे सिक्स पड़ सकता है इनको, उमेश यादव को एक और सिक्स पड़ सकता है, बच गए हैं 3 ओवर में 27 रन दिए, इनका ओवर एक और बाकी है, तो इनकी फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है, अगर ये फॉर्म में नहीं रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई ये क्या बकवास आ रहा है, सब टिकटॉक ही बन गए। कुलटर नायर को दी गई है गेंदबाजी, इनका अभी भी एक ओवर, ये इनका आखिरी ओवर है, पिछला ओवर जबरदस्त किया था, एक ओवर अगर ऐसा और कर देते हैं तो फिर मानना पड़ेगा इनको कि जबरदस्त बॉलर है। यहाँ पर राणा इस बार खेल रहे हैं, पिछली बार कार्तिक थे, इस बार राणा है, और यहाँ पर अपील हुई है, देखना होगा क्या डिसीजन देते हैं, एम्पायर ने तो नॉट आउट दिया है, हम लोग डीआरएस लेंगे, हमारे पास 2 डीआरएस बचे हैं, किन के 12 गेंदें बची हैं, अब उस पर हम लोग डीआरएस तो लेना बनता ही है, और सब कुछ डिपेंड करेगा आउट, जो बॉल की पिच पड़ी है उस पर ही सब कुछ डिपेंड कर जाएगा, वो अगर सही पड़ गया तो फिर तो विकेट गई, हमने कराई तो आउट स्विंग ही थी गेंद। अरे पैड चेक कर रहे हैं लोग, पहले चेक किया जा रहा है कि बैट और पैड तो नहीं है पहले, और जी नहीं पैड ही लगाया पहले, तो फिर अब देखिए डायरेक्ट कि बॉल की पिच कहाँ पड़ी है, बॉल की पिच पड़ी आउटसाइड लेग, नॉट आउट। और रिप्ले में तो बहुत अजीब लग रहा है कि क्यों लिया डीआरएस, लेकिन एक समय लग रहा था कि होगा आउट, अगर पिच हो जाती अंदर तो आउट हो जाता, अच्छी बात है क्योंकि गेंद खराब थी, उस खराब गेंद को पे इतना कुछ हो जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। रिव्यू लॉन्च भले हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, चलेंगे हम लोग 17 गेंदे 33 रन, 12 का रन रेट लगभग लगभग टच होने वाला है थोड़ी देर में। बहुत ही बढ़िया गेंद है इस बार राणा की, ग्रीन लाइन टच हुई अच्छी तरह से होगी, और यहाँ पे गैप में होगा, लेकिन ये जगह गैप वाली, जी नहीं कैच आउट हुआ है इस बार राणा, जनरली यहाँ पर फील्डर होते नहीं है लेकिन यहाँ पर सफलता मिलती हुई उनका एक सेट बैट्समैन आउट करा दिया है, और कोल्टन नायर की तारीफ करनी होगी, पहली ओवर में रन डाली थी, दूसरी गे ओवर में दूसरी गेंद पर विकेट ले लिया है यहाँ पर, और पहली गेंद डॉट गई थी, राणा के ऊपर इतना दबाव था नहीं, कोशिश की थी अग्रेसिव शॉट खेलने की, शायद इसीलिए दिनेश कार्तिक पहली ओवर में अग्रेसिव नहीं खेल रहे थे, उन्हें पता था कि बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं कोल्टन नायर, दिलाए हैं बस यहाँ पर, अगर एक और विकेट हमें मिल जाता है लगातार, जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि लगातार विकेट मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया गेंद है, ग्रीन लाइन अच्छी तरह से कवर हुई, अब देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर, डिफेंस कर लिया है, 3 गेंदें डॉट गई हैं, 16 गेंदें 33 रन, लेकिन हम सबको पता है कि अगर 2 छक्के यहाँ पड़ जाते हैं तो पूरी पूरी मैच, अरे रे खराब गेंद, थोड़ा भी ध्यान हटा आपका तो मैच गई आपके हाथ से, और वही हो रहा है यहाँ पे, अपील हुई है, नॉट आउट है, लेकिन नॉट आउट है, इस बार हम लोग डीआरएस नहीं लेंगे, एक बार हम लोग फंस चुके हैं, बार बार ऐसी बेवकूफ़ी हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर तुरंत ना बोला है तुरंत, वो भी खराब गेंद थी, वो भी खराब गेंद थी, 4 गेंदें डॉट गई है, 5वीं गेंद पर भी डॉट गई है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग है यहाँ पर कोल्टन नायर की, क्या लगातार 2 ओवर मैटन डालेंगे, ये तो बहुत ही रेयर चीज होने वाली है लग रहा है, जी हाँ परफेक्ट ग्रीन लाइन डाली है ये गेंद, अगर दिनेश कार्तिक सिक्स मारते हैं तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा, जी नहीं डॉट गेंद गई है, कोल्टन नायर का एक शानदार परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह की बॉलिंग की है इसी तरह की बॉलिंग अगर एक और ओवर हो जाती है तो ये मैच हम आराम से जीत जाएंगे, उसकी आधी भी अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। उमेश यादव पे हमको विश्वास तो है, अब गेंदबाजी दी है हमने, शुभम गिल यहाँ पर खेलने वाले हैं पहली गेंद, और उम्मीद करेंगे हम लोग, अरे रे ग्रीन लाइन टच नहीं हुआ यहाँ पर, लगभग 18 के आसपास पहुँच गया, अगर ये गेंद मिस करेंगे तो हो जाएगा 18, जी हाँ अब 18 का रन रेट हो गया है यहाँ पर, रिक्वायर्ड रन रेट, बातचीत हो गई है, देखिए दिनेश कार्तिक और शुभम गिल के बीच में कुछ बातचीत हुई है, दोनों ने अपने ग्लव्स टच करवाए हैं, और अब देखते हैं इस बातचीत का क्या रिजल्ट आता है, क्या शुभम गिल यहाँ पर अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, देखना होगा, 11 गेंदें बची हैं सिर्फ, जी हाँ कोशिश तो कर दी है यहाँ पर, पहली गेंद पे चौका मारा है यहाँ पर भी ग्राउंड शॉट के थ्रू, तो एक बात तो क्लियर है कि अब शुभम गिल नहीं छोड़ने वाले हैं, और दिनेश कार्तिक ने भी इशारा कर दिया था बातचीत करके कि अब हर एक गेंद पे कोशिश होगी अच्छे शॉट और लंबे शॉट खेलने की, तो अगर आप खराब गेंद डालेंगे तो भूल जाओ कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा यहाँ पर, फिर से स्ट्राइक रोटेट कराइए, बहुत बढ़िया डिसीजन यहाँ पर, 2 गेंदे 3 गेंदे में 5 रन आया है, दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पे आ गए, ये एक ऐसा खिलाड़ी जो अभी तक टिका हुआ है, और हमें पता है
कि दिनेश कार्तिक इस तरह के खेल खेलने में माहिर है। बहुत ही बढ़िया गेंद है, ग्रीन लाइन परफेक्ट तरीके से तो नहीं लेकिन कवर हुई है ग्रीन लाइन। अब देखते हैं क्या शॉट खेलते हैं। देखिए नहीं लगा है शॉट, लेकिन शॉट नहीं लगने के बावजूद भी स्ट्राइक रोटेट कराया है। गिल पे है पूरा विश्वास यहाँ पर कार्तिक को, उन्हें पता है 8 गेंदों में 27 रन करने हैं और गिल यहाँ पर वो रन बना सकते हैं। फिर से ग्रीन लाइन हल्का सा टच हुआ है शायद, देखते हैं क्या शॉट खेलते हैं। 6 रन यहाँ पर लगते हुए, 8 गेंदों में 27 रन चाहिए थे, अब 7 गेंदों में 21 रन चाहिए, 18 हो गया है रन रेट। कुछ भी हो जाए 18 के ऊपर ही रखना होगा हमें, क्योंकि हमें पता है आखिरी ओवर में 3 सिक्स मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया गेंद उमेश यादव की, फाइनली एक गेंद आई है जिसपे हमको विश्वास है कि कुछ ज्यादा नहीं होगा हिट, लेकिन उस पर भी 6 लग गया है। यहाँ पर 21 रन जो थे वो अब हो गए हैं 15 रन, यानी आखिरी ओवर जो है वो 15 रनों का है और कोलकाता के पवेलियन में खुशियां लौट आई हैं। उन्हें पता है कि यहाँ से वो लोग मैच जीत सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 सिक्स लगे हैं इस ओवर में और उसके अलावा जो स्ट्राइक रोटेट कराई है वो गेम चेंजिंग रहा है। दोनों बैट्समैनों ने इस बॉलर को खेला है और दोनों ने अपने अपने तरीके से रन बनाए इस ओवर में। ओवर पूरे होने वाला है और यहाँ पर एडवर्टाइज आई है, आखिरी यहाँ पर ओवर शुरू हो रहा है। सिराज और स्टोइनिस में से हम लोग स्टोइनिस, अरे रे अरे रे, मैंने गलती से सुंदर को सिलेक्ट कर दिया। अब ये है तो गेम, अब हम इन्हें वापस से सिलेक्ट नहीं, अनसिलेक्ट नहीं कर सकते। पहली गेंद बढ़िया डाली है सुंदर ने, सरप्राइज हूँ मैं खुद भी, पहली गेंद इतनी बढ़िया कैसे डाल दी भाई साहब ने। चलिए देखते हैं, भगवान ने इनको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कराया, मैंने तो सिलेक्ट किया नहीं था, इनको ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुए थे। और यहाँ पर नहीं, हाँ 1 रन एक्स्ट्रा आ गया है, अपील क्यों कर रहे हैं हम। और ये क्या थर्ड एम्पायर क्यों हो रहा है, क्या 2 रन लिया था, मेरा ध्यान नहीं था मेरा। अरे ये क्या हो रहा है ये क्या है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहे हैं ये, अरे अंदर आइए पूरी तरह से, ये तो आराम से चल रहे हैं दिनेश कार्तिक, ये क्या हो रहा है, अंपायर के हाथ में डिसीजन होगा, ये तो बहुत ही अजीब सा हुआ है गेम में कुछ। दोनों एम्पायर को देख रहे हैं भाई कि वो कह रहा है मुझे आउट मत देना, वो कह रहा है मुझे आउट देना, ये हो क्या रहा है एम्पायर के साथ। एम्पायर ने तो नॉट आउट दिया, चलिए अच्छी बात है, बच गया दिनेश कार्तिक, वरना 4 गेंदे 15 रन, अब हमें किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया गेंद यार, बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट, ये क्या है, इस तरह के शॉट नहीं लगने चाहिए थे इस गेम में, क्योंकि बहुत बढ़िया गेंद दी है, जिसे कहते हैं कि परफेक्ट ग्रीन लाइन इस गेम में, उस गेंद पे मारना का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, इस तरह की गेंद दी है। अगर हम इस गेम में ऑन पेपर कहें कि किस तरह की गेंद डालनी चाहिए जिस पर रन नहीं बनेंगे, तो वो इस तरह की गेंद थी, लेकिन उस पर भी 6 पड़ा है, शायद हमको ऑफ स्पिन करानी थी। और खराब गेंद, इस बार तो खराब गेंद है, इस बार तो खराब गेंद है, और खराब गेंद को तो नहीं छोड़ेंगे, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है यहाँ पर। और दूसरा 6 लगता हुआ, और इसी के साथ ये मैच आप समझ सकते हैं कि किसके पक्ष में चला गया है यहाँ पर, कोलकाता नाइट राइडर के मैच में। क्या आरसीबी एक बार फिर चौक कर जाएगा, या फिर 2 गेंदों में कुछ कमाल देखने को मिलेगा, हमें कह नहीं सकते। हम लोग कार्तिक समय एक्चुअली यहाँ आ गए हैं, वो तो सामने दिख रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा है गेम में। खराब गेंद, और मेरे ख्याल से यहाँ पर मैच पूरा होता हुआ, शुरू की 3 गेंदें बढ़िया की थी, उसके बाद मैच गंवा दिया यहाँ पर सुंदर ने, और 6 विकेट से जीता है इस मैच को कोलकाता ने। चाह कर भी हम लोगों ने कुछ कह नहीं सकते, हम लोग कार्तिक ने बढ़िया बैटिंग की है, राणा ने अच्छी शुरुआत संभाली थी इनिंग को, गिल ने आके भी अपना अच्छा रोल प्ले किया है, 5 गेंदों में 17 रन महंगे साबित हुए हैं। सुंदर यहाँ पर 11 2 3 ओवरों में लगभग 33 रन दे दिए, 2 विकेट आया है कुलटर नायर को, बहुत बढ़िया बैटिंग की थी, बॉलिंग की थी। राणा रहे टॉप स्कोर हमारी तरफ, कोलकाता की तरफ से, और हेतमायर रहे हैं हमारे बैंगलोर की तरफ से। यादव ने 2 विकेट लिए, कुलटर नायर ने 2 विकेट लिए, और यहाँ पर हैंड शेक होता हुआ। और आरसीबी एक बार फिर से हार गई है, पता नहीं रियल मैच में क्या होगा, क्या आरसीबी वहाँ भी चौक करेगी, देखना होगा। आप ये वीडियो जब अपलोड होगी उससे कुछ घंटों बाद आपको पता चल जाएगा।
और हमारे इस गेम प्ले में हार गई आरसीबी, टक्कर दी थी। एक समय लगा कि 3 गेंदों में 15 नहीं करने देगी, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 6 लगे हमें। और इसी के साथ हमारा गेम प्ले होता है एंड। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।